ऐसी भी है कि उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया है और बिग बजट की एक सिनेमा देखी नहीं, करीब करीब बहुत सारे सिनेमा शुरू करने वाला और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह बाकी लैंग्वेज को दुनिया प्यार करती है उस तरह हम भी लोगों के दिल में अपना एक छाप छोड़े सिनेमा के माध्यम से। और गाने वाने तो चलते ही रहते हैं, गाने वाने तो हम सिंगर हैं तो भाई तो हमारा पेशा है और हम उसके बिना जी नहीं सकते, तो कोशिश है जो बेहतर सिनेमा की तरफ आदमी मुख मोड़े। इसीलिए मैं अपनी बॉडी पे भी काम कर रहा हूँ कि हर लुक में अगर मुझे दिखना है और अपने आप को फिट रखना है, हम सिर्फ एक ही तरह नहीं दिख सकते, हम एक ही तरह काम ना करें। आज सैया के बेलन रोटी कुछ इसमें नया था तभी आज 100 मिलियन के कगार पे गया जी। तो ये सिर्फ 5 मिनट की मनोरंजन है, लेकिन 2.5 घंटे के मनोरंजन के लिए हमें सबको बेहतर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें मित्र 2 करेक्टर हैं, ज्यादा से ज्यादा 4, एक राइटर, एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक खेसारी लाल यादव और एक एक्ट्रेस जो मेरी है, लेकिन उसमें एक आदमी का और 4 आदमी से सिनेमा नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि सिनेमा का माध्यम बड़ा होता है कैनवास, तो सब लोग अगर 100% दें तो हमारी चीजें अच्छी हो सकती है, चाहे वो प्रोड्यूसर की तरफ से हो, कलाकार की तरफ से हो या डायरेक्टर की तरफ से। ठीक है, फिल्में देश विदेश में शूट हो रही है लेकिन उसका रिलीज जो है ना बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा है, इसका कब तक सुधार हो सकता है? फिल्में आप देश विदेश में शूट कर रहे हैं लेकिन फिल्में थिएटर में नहीं पहुंच पा रही, इसका मुख्य वजह क्या है आपके अनुसार? अब खेसारी विदेश में चल जाए तो अंग्रेज थोड़ी हो जाए, ऐसा तो मैंने कहा आनंद बाबू। खेसारी लाल यादव के चक्की का आटा देखिए कितना बड़ा है, 100 मिलियन पहुंच गया है, आपका चक्की का आटा था। हमारी सोच को विदेश नहीं बदल सकता, केजीएफ लंदन में नहीं बनी है, केजीएफ इंग्लैंड में नहीं बनी है, केजीएफ जापान में नहीं बनी है, केजीएफ इंडिया में ही बनी है। तो सोच को आप कहीं ढाल सकते हैं बसरते आपको आना चाहिए, अगर अच्छी जमीन नहीं दीजिएगा उसके बाद कहेगा कि ताजमहल बन जाए तो जमीन हमारा कहाँ नहीं होता है, और जब जमीन आप अच्छा नहीं सोचिएगा तो ताजमहल नहीं बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब पहले जमीन पे फोकस करना जरूरी है, कहानी पे फोकस, और कहानी को बेहतर करने का काम एक डायरेक्टर का ही होता है, और डायरेक्टर अगर बेहतर सोचेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे प्रोड्यूसर भी हैं जो अपने आप को साबित करने के लिए, अपने भोजपुरी को बड़ा करने के लिए कोशिश कर ही रहे हैं।